हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल आज हम विजन आईएएस के नाइनटीथ फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज डू ज्वाइन इट एंड द लिंक हैज गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो फ्रेंड्स आज काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज आपको ही पता है कि जो इंडिया एंड यू यानी कि यूनाइटेड अरब इमेरेट्स हैं इन दोनों के बीच जो आपका कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन हो चुकी है और इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है फॉर बोथ द कंट्री एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएई के बेसिक्स जो रिलेशन है उसे भी सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर फर्स्ट इट विल कवर बायलेटरल रिलेशन बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट तो यहाँ पर बाइलेटरल में कौन हो गया आपके इंडिया एंड यूए रिलेशन तो अभी हाल फिलहाल में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुई थी दोनों देश के बीच और इसी समिट के दौरान ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया गया ऑन द टॉपिक एडवांसिंग कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड यहीं पर आपका सी पी एट इज कंप्रीहसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन भी हुई अब इसे हम डिस्कस तो करेंगे लेकिन सबसे पहली बात हम इंडिया यू रिलेशंस के बेसिक की बात करते हैं बिकॉज इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक देन आराम से जो आगे के डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट सो पहली बात तो आपको ध्यान में यह रखनी है कि जो आपका यूएई है यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ये भारत की तीसरी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना, यूएस एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तो भारत के लिए कितना सिग्निफिकेंस है आप समझ सकते हो बिकॉज भारत के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएई में भारी मात्रा में और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वैल्यू तो यू तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आफ्टर चाइना एंड द यूएस तो काफी सिग्निफिकेंस हो जाता है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि दोनों देशों के बीच मेरी टाइम भी होते हैं पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कैसे तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज रेगुलर लेवल पर की जाती हैं दोनों देशों के बीच और वन ऑफ द एक्सरसाइज इज डेजर्ट ईगल और तीसरा सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये तो और भी काफी ज्यादा है बिकॉज आपको ही पता होगा आपने पढ़ा होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा लगभग 3.5 मिलियन या फिर 35 लाख कहो वो यूएई में रहते हैं और इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन आता है इन फॉर्म ऑफ़ वो आप देख सकते हो 17.06 बिलियन डॉलर का और ये सब जो आती है भारत में वो कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर जो पॉवर्टी जैसी समस्याएं हैं उसको खत्म करने में काफी मदद करती हैं जो फैमिली की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसको इंप्रूव करने में काफी मदद करती है साथ ही साथ अगर हम चौथा इंपॉर्टेंस देखें तो स्पेस कोलेबोरेशन भी दोनों देश के बीच में देखने को मिलता है इसका एक एग्जाम्पल है कि जो इसरो है उन्होंने लॉन्च किया है यू के पहले नैनो सैटेलाइट दैट इज योर नाइफ वन को तो स्पेस कोलेबरेशन भी है दोनों देश के बीच और साथ ही साथ दोनों देश हमेशा ज्वाइंटली कमिटेड होते हैं कि एक्सट्रीमिज्म से लड़ना है साथ ही साथ ऑल द फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म से लड़ना है इंक्लूडिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो टेररिज्म के बीच उसको खत्म करने के लिए कॉपोशन भी दोनों देश के बीच में हुई है तो ये आप समझ सकते हो कि यूएई का क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग द टेररिज्म इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो इंडियन डायस्पोरा पाते हैं इन द यूएई तो ये सब सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया अब बात करते हैं इस सीईपीए में जो बातें हुई हैं। तो पहली बात तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इससे उम्मीद की जा रही है कि जो बायोलेटरल ट्रेड है बायोलेटरल यानी कि दोनों देश के बीच जो ट्रेड है वो अभी फिलहाल तो सिक्सटी बिलियन डॉलर की है वो बढ़कर 100 बिलियन डॉलर की हो जाएगी अगले आने वाले पांच सालों में आप समझ सकते हो कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है जबकि आप देख लो रशिया और इंडिया के बीच जो आपका बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 11 या फिर 12 बिलियन डॉलर का है लेकिन यूए के साथ अगर देखें तो 60 बिलियन डॉलर कोई मामूली बात नहीं है इसलिए सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है और ये कैसे 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हो बिकॉज़ जो भी प्रोडक्ट्स हैं अब जब यूए में हमारे प्रोडक्ट्स जाएंगे तो कम टैरिफ्स लगेगा और अल्टीमेटली जो हमारे मार्केट एसेसिबिलिटी है टू द यूएई वो भी बढ़ेंगी तो दैट्स वाई ये आपका बाइलेट्रल ट्रेड आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा ठीक है और यही ट्रू है यूए के लिए भी तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है सीईपीए का तो पहली बात तो ये कि इस एग्रीमेंट से जो टैरिफ्स है यानी कि टैक्सेस जो लगाए जाते हैं लगभग 80% परसेंट ऑफ द गुड्स पर जो टैरिफ लगाए जाते हैं वो कम होंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो 90% परसेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स यूएई को किया जाता है इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट यूएई को किया जाता है परसेंट ऑफ दैट विल बी जीरो ड्यूटी एस एस यानी कि कोई टैक्स पे नहीं करने पड़ेंगे तो जब कोई टैक्स पे नहीं करने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है जो भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो यूए में बढ़ जाएगी अब जब यूए में डिमांड बढ़ गई तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और भी भारी मात्रा में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो आप समझ सकते हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इन टू इंडिया तो ये बड़ा सिग्निफिकेंस है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो दस लाख जॉब्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकेंगी अक्रॉस मल्टीपल लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये जो एग्रीमेंट है इट विल बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ मार्केट एंड जब एक्सपोर्ट ऑफ मार्केट एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट बूस्ट होगा तो जाहिर सी बात है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स है वो और भी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगी और भी डाइवर्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी एज पर द नीड डिमांड एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका इंडियन मेडिसिन है ठीक है वो डेवलप कंट्रीज में जैसे यूएस है यूके में वो अप्रूव वहां पर हो गई वहां पर वो यूज हो सकती है तो अगर वहां पर अप्रूव हो गई और वहां यूज हो रही है तो अल्टीमेटली जो UAE है, वहां पर हमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिक उस मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और मार्केट ऑथोराइजेशन हो जाएगा यानी कि वो इंडियन मेडिसिन यूए में भी एसेसेबल होगी फॉर बाइंग एंड कंजम्पशन तो ये एक सिग्निफिकेंस और निकल कर आ रहा है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एंड मार्केट ऑथोराइजेशन फॉर इंडियन मेडिसिन अगर उस मेडिसिन का रेगुलेटरी अप्रूवल हो जाता है इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस और यूके और सच अदर कंट्री साथ ही साथ अगर नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलेगी वेस्ट एशियन नेशंस के लिए अफ्रीका के लिए यूएई के माध्यम से बिकॉज़ यूएई का लोकेशन आपको ही पता है पर्शियन गल्फ वाले लोकेशन में यूएई मौजूद है तो अगर यूए में हमारे प्रोडक्ट्स भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो डायरेक्टली यू ए से प्रोडक्ट किए जा सकते हैं है ना खासकर अफ्रीका को ले लो या फिर अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज को ले लो तो इनडायरेक्टली इट विल आल्सो बूस्ट द ट्रेड अब बात करते हैं अन्य क्या आउटकम्स हुए हैं इस समिट के तो पहली बात तो ये कि ज्वाइंट कमोमरेटिव स्टैंप रिलीज किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ सेवन फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस और फिफ्टी ईयर्स ऑफ यू ई फाउंडेशन तो यू ई को बने हुए फिफ्टी ईयर्स हो चुके हैं और इंडिया का सेवनटी फिफ्थ एनिवर्सरी चल रहा है आजादी का और इसी अवसर ज्वाइंट कमोमोरेटिव स्टैंप रिलीज की गई है साथ ही साथ एमओ यू साइन हुई है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक प्रकार से ये एग्रीमेंट होता है लेकिन ये एग्रीमेंट बेसिकली लीगल इनफोर्सबिलिटीज की नहीं होती है बस एक सहमति बन जाती है कि हाँ हाँ आने वाले समय में हम लोग ये कॉपरेशन करेंगे तो एमओ ऑन फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर इनिशिएटिव तो अगर पूछा जाएगा फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर इनिशिएटिव इज एन आउटकम ऑफ व्हाट तो इज एन आउटकम ऑफ दिस समिट जो अभी हमने डिस्कस किया एंड एम ओ यू साइन की गई है बिटवीन गिफ्ट गिफ्ट सिटी सिटी अभी पर है अहमदाबाद में गुजरात में एंड अबू धाबी ग्लोबल मार्केट तो एम इन दोनों के बीच साइन हुई है कि कॉपरेशन हो इन द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट एंड सर्विसेस एंड अदर एम साइन हुए हैं लाइक कॉपरेशन इन क्लाइमेट एक्शन एंड एजुकेशन सो फ्रेंड्स ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया है लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल रीज्ड तो आपने सुना होगा कि जो वॉलिकल उड़ते हैं जाते हैं चलो मान लिया, में जा सकते हैं। लेकिन मेजोस्फेर मेजोस्फेर की आप हाइट समझ सकते हो लगभग लगभग फिफ्टी किलोमीटर से फट्टी फाइव किलोमीटर के बीच होता है मेजोस्फेर में जाना ये तो बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है तो इसका जो कारण है वो यही है कि जो आपके बॉल्केनिकूम जनरेट हुए हैं कहीं ना कहीं जो हीट होगी या फिर यूं कह सकते हो कि हीट सप्लाई फ्रॉम द वॉलो काफी ज्यादा होगी और साथ ही साथ चूंकि टोंगा इज ए आइलैंड आपको पता है तो जो मॉइस्चर है आसपास उसने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया होगा वोल्केनिक so से पहले लेट्स मूव टू सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का ठीक है देख सकते इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक सुनामी वोल्केनिक एक्टिविटी तो ये सब जो आपका अर्थक्वेक है सुनामी है वोल्केनिक एक्टिविटी ये सब इंटरलिंक्ड है ठीक है ये सब आपके जो प्लेट्स हैं जब इधर उधर होती हैं लेथोसरिक प्लेट्स तो फिर ये सब इवेंट घटती हैं तो देख सकते हो ये जो प्लूम्स हैं फ्रॉम द रिसेंटली इरप्टेड वोल्केनिक इंटोंगा मेजर तक पहुंच गया है और आपको भी पता है कि अगर हम एटमोस्फेयरिक लेयर की बात करें तो देर उसके बाद आपका स्टेटोस्फेयर उसके बाद मेजोस्फेयर आता है ठीक है देन आयोनोस्फेयर होता है उसके बाद एग्जोस्फेयर भी होता है तो ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है आपको ठीक है तो मेजोस्फेयर तक पहुंच गया ठीक है और इसका कारण क्या बताया जा रहा है तो इसका कारण बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम हीट सप्लाई हुई थी फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ऑल्सो ूज मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन दैट हेल्प्ड कि वो इस हाइट तक पहुंच सके हैं और एक्सपर्ट का मानना है कि ये पिछले तीस सालों में ओवर द थ्री डिकेट बिगेस्ट वॉल्केनिक इवेंट रहा है रिकॉर्डेड एन एनी वेयर इन वर्ल्ड अब बात करते हैं टोंगा वॉल्केनो की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले तब हम जानेंगे इम्पैक्ट क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन का क्योंकि क्वेश्चन मेंस के लिए यहीं से निकलते हैं तो अगर हम बात करें टोंगा वोल्केनो की तो पहली बात तो आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सुना होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज नथिंग बट ये पूरा एकदम ज्वलनशील लेयर है ठीक है यहाँ पर कंटीन्यूअस लेवल पर वोल्केनो अर्थक्वेक होते रहते हैं ठीक एक बार कभी आप मैप में देखना तो आपको दिख जाएगा आराम से कि यहाँ पर अर्थ के अर्थ को एक वॉल होते रहते हैं क्यों होते रहते हैं बिकॉज ये जो आपका पैसिफिक प्लेट है ये पूरा पैसिफिक प्लेट है और बाकी जो आपके साउथ अमेरिकन प्लेट की बात कर लो या फिर नॉर्थ अमेरिकन की बात कर लो ये सब प्लेट के अंदर ये पैसिफिक प्लेट सब्ज्यूड होते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट सबडक्शन जो मैग्मा है अर्थक्वेक है वो सब आते रहती है दैट्स वाई आपका जापानीज आइलैंड बना है है ना दैट्स वाई आपका जो फिलिपींस आइलैंड है वहां बना है एंड इसीलिए चूंकि जो आइलैंड है वो यहाँ पर लोकेटेड है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास तो वहां पर से वॉल्केनिक होते रहती है आपने बहुत बार सुना होगा ठीक है तो अगर हम बात करें टोंगा वोलकेनो की तो ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलोंग लाई करता है यहाँ पर आप देख सकते हो ये देख लो ये टोंगा ट्रेंच है ना यहीं पर है आपका टोंगा आइलैंड। ठीक है और जहां पर सबडक्शन होता है प्लेट्स का वहां पर ट्रेंचेज बनती है ट्रेंचेज इज वॉट डिप्रेशन ठीक है तो इट लाइज अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड जस्ट 60 किलोमीटर

या इन साइड बिकॉज ऑफ दैट प्लेट्स मूव करते रहते हैं एक दूसरे के प्रति एंड सबडक्शन जोन क्रिएट होता है और सबडक्शन के अलोंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं जो प्लेट सबड्यूड हो रहे हैं सबडक्ट हो रहे हैं तो उनके जो रॉक्स पार्टिकल्स मटेरियल सब है वो सब दूसरे प्लेट के

के नीचे सबड्यूड हुआ एंड अल्टीमेटली जो रॉक्स हैं जो मटेरियल से वो मेल्ट होते हैं और अल्टीमेटली मैग्मा बनते हैं और वो मैग्मा जगह ढूंढकर वोल्केनिक इरप्शंस के माध्यम से निकलकर बाहर आती है इसीलिए वोल्केनिक इरप्शन होता है तो होप आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गई होगी अगर हम बात करें इंपैक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन तो वोल्केनिक इरप्शन का इंपैक्ट काफी हो सकते हैं तो पहली बात तो ये कि जो ऐश या या फिर डस्ट या फिर डस्ट रिलीज होते हैं बॉल्केटमोसफेयर में जब भी इरप्शन होता है तो पहली बात तो ये जो डस्ट या है ये हो सकता है सनलाइट को एंट्री से ब्लॉक कर दे अब जब सनलाइट को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो मान के चलो कि टेम्पररी लेवल पर कूलिंग हो जाएगी बिकॉज सनलाइट ही नहीं आ रहा तो जो हमारा अर्थ सरफेस जो पहले हीट रिसीव करता था वो उतनी मात्रा में रिसीव नहीं होंगी तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू द टेम्पररी कूलिंग एंड दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जब भी वॉल्केनिक होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं फ्रॉम द दॉल्केनिकप्शन लाइक वाटर वेपर यस वाटर वेपर इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता होना चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो जो वार्मिंग इफेक्ट है बढ़ जाती है हमारे अर्थ की एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड तीसरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो जो लोकल वेदर है जहां पर ये इरप्शन हो रहा होगा वहां की जो लोकल वेदर है उसमें अल्ट्रेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है जैसे इंटेंस थोम का आना ठीक है और ये सब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब थ्रो अप हो जाते हैं दूसरे दूसरे लोकेशन में और फिर वो दूसरे प्लेस पर जाके गिरते हैं तो ये सब भी इवेंट घटती हैं। एंड जो की है, इट कैन आल्सो ट्रिगर सुनामी और सुनामी हमेशा सी में आती है और कैसे सुनामी अकर करती है आपको पता होगा कि लेट से कि आपका सी है और वो एक्टिव जोन है एक्टिव जोन है यानी कि वहां पर अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते रहती है तो क्या होगा अगर अर्थक्वेक आएगा तो जो सी वाटर है उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगा अब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो वेब जनरेट होगा और यही वेब जब कंटिनेंटल कोस्ट के अलोंग जाएंगे वेब के माध्यम से तो फिर वो कोस्टल सिटीज कोस्टल कंट्रीज को फ्लडिंग कर देंगी इनंडेट कर देंगी तो ये सब इम्पैक्ट होता है या फिर लेट से है, तो जो भी मैग्मा रिलीज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सी सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं तो जिसके कारण सी लेवल पर चेंजेस होता है एंड इट ऑल्सो ट्रिगर्स द सुनामी तो ये बातें हैं तो ये हैं हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया द टू आर्टिकल्स लेट्स मूव टू थर्ड आर्टिकल गवर्नमेंट अप्रूव्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट तो ये ई e गवर्नेंस का टॉपिक है हमारा तो ई e गवर्नेंस के टॉपिक कहाँ गए हाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ई गवर्नेंस इट्स अप्लीकेशन मॉडल सक्सेस लिमिटेशंस तो ये कवर होंगे आपके तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्होंने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई प्रोजेक्ट फेज टू जो पीरियड ऑफ 2022 से लेकर पी डेट ऑफ 25 26 तक चलेंगी एंड पहली बात तो ये कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्टेट की तरफ से कोई फंड नहीं आएंगी सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और ICJS यानी कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये बेसिकली ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ही इनिशिएटिव है जिसके तहत जो भी डाटा है इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू तो द क्राइम वो ट्रांसफर की जाती हैं, शेयर की जाती हैं अमंग द डिफरेंट पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या आ जाते हैं पुलिस आ जाते हैं फॉरेंसिक्स आ जाते हैं कोर्ट्स आ जाते हैं तो जो भी डाटा है वो इन सब पिलर्स में शेयर किए जाएंगे ट्रांसफर किए जाएंगे आसानी से ई e टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अगर हम बात करें आई की तो ये आपका नेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो मेन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया जाता है सो so दैट जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी में मदद हो सके बाय फोकसिंग ऑन फाइव पिलर्स तो वो पांच पिलर्स कौन है पुलिस है ई e फॉरेंसिक्स है ई कोर्ट्स हैं ई प्रोसिक्यूशन है ई e प्रिजन्स है ठीक e है एंड जो फेज टू है वो वन डाटा वन एंट्री के प्रिंसिपल पर आधारित है वन डाटा वन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई साहब अगर कोई भी डाटा इंटर किया जाता है एक पिलर में तो वो सेम डाटा सारे पिलर में अवेलेबल हो जाएंगे यानी कि से कि ई-फॉरेंसिक में हमने डाटा इंटर किया तो ये सेम डाटा आपके ई e कोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होंगी ई प्रोसिक्यूशन ई प्रिजन इन सब में रिफ्लेक्ट होंगी इन सब पिलर्स में रिफ्लेक्ट होंगी और फेज वन में क्या था जो इंडिविजुअल आई सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे थे स्टेबलाइज किए जा रहे थे सर्च ऑफ रिकॉर्ड्स की फैसिलिटीज इनेबल की गई थी और अगर हम अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हो ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिमेंबर इट इज नॉट द नीति आयोग इट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो इंप्लीमेंट करेगी आईसी को इन एसोसिएशन विद नेशनल सेंटर इन विद द वेरियस स्टेट्स एंड यूटी सिग्निफिकेंस वही है कि जो आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो स्पीडी तो होंगी होंगी साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट भी होगी बिकॉज यहाँ पर आई सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है स्पीडी एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ द जस्टिस साथ ही साथ स्मार्ट पोलिशिंग हमारे देश में मजबूत होंगी For example empowering the citizens as well as investigating agencies as well as the policy makers तो ये benefit है और अगर हम बात करें ई e committee ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तो ये जो आपका ई e committee है ये गवर्निंग बॉडी है जिसको responsibility दी गई है कि जो ई कोर्स प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसको मोनिटर करे और जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है वो आपका कंसेप्चुअलाइज किया गया है अंडर द नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005 और अच्छे से याद रखना है आपको ई e कोर्स आपका पैन इंडिया प्रोजेक्ट है पूरे भारत लेवल पर इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है जिसके तहत जुडिशरी सिस्टम जो हमारे देश की है उसको आई सी टी इनेबल्ड किया जाए यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल की जाए ठीक है बाय इनफ्यूजिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कोर्ट्स सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल सेंटर नोटिफाइज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 ट्वेंटी टू यहां से क्वेश्चन बनते हैं खासकर प्रॉब्लम्स के लिए तो बनते हैं क्योंकि पास्ट ईयरस में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो क्या है ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 इसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस देख लेते हैं तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका जो आर्टिकल नंबर फोर है इट तो विल कवर कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन तो आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एटी सिक्स एमेंड किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू थाउजेंड सिक्सटीन तो पहली बात तो यही याद रखना है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए जाते हैं वो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एट्टी सिक्स के तहत लाए जाते हैं तो ये जरूर याद रखनी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एट्टी सिक्स के तहत ये जो रूल्स है प्लास्टिक वास्ट मैनेजमेंट वाले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर अमेंड किए जाते हैं तो क्या की हाईलाइट है इस रूल्स की तो पहली बात तो ये कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस है प्लास्टिक पैकेजिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के लिए बताई गई है तो जब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी की नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी प्रोड्यूसर लेट्स से कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करता है ठीक है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस प्रोडक्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट हो अनटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर किया और एक बार दूसरे को बेच दिया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म जब तक उस प्रोडक्ट की लाइफ एंड नहीं हो जाती तब तक वो उस प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी कि उसको सेफली मैनेज करे मेंट so पर नुकसान उस प्रोडक्ट का ना हो तो ये जो आपका ईपीआर का है, अभी फिलहाल कोई नया कंसेप्ट नहीं है इसको 2011 का जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है इसके अंतर्गत भी लाया गया था उसके बाद धीरे धीरे इसको डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ई e वेस्ट के लिए था तो अभी प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए भी लाया गया है है ना तो ये बातें एंड अदर फीचर्स की अगर हम बात करें या फिर की हाइलाइट्स की बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स से इम्पोर्टर्स से ब्रांड ऑनर्स है उनको डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स के और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट्स हैं रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स के वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड रिसाइकलर से प्राप्त होनी चाहिए ऐसा नहीं कि किसी से भी आप रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त कर लो इट विल बी फ्रॉम द ओनली एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कस्टमाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाई गई है सो so दैट ट्रैकिंग की जा सके मॉनिटरिंग ऑब्लीगेशन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इन सब की ट्रैकिंग होगी साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की भी बात है बेस्ड ऑन द पॉल्यूट पेज प्रिंसिपल यानी कि अगर ई टारगेट जो भी दिए गए हैं उसकी नॉन फुलमेंट फुलफिलमेंट होती है बाय द प्रोड्यूसर तो भाई साहब इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड देर इज मार्केट मैकेनिज्म ऑल्सो जिसके तहत अगर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट सरप्लस में तो फिर उसको बेचा जा सकता है खरीदा जा सकता है वाया मार्केट प्लेटफॉर्म एंड खासकर वैसे प्लास्टिक जिसको रिसाइकल नहीं किए जा सकते जो इंड लाइफ के क्षण में है उसको भेज दिया जाएगा इंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल के लिए जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है वेस्ट टू एनर्जी या फिर वेस्ट टू ऑयल जनरेट करने में इस्तेमाल हो सकता है तो जिसको अब रिसाइकल नहीं किया जा सकते उसको इन सब जगहों पर इस्तेमाल हो जाएगा सो so दैट इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए विदाउट इन्वॉल्विंग मच नेगेटिव इम्पैक्ट टू द इनवायरमेंट बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द रूल्स की तो पहली बात तो एक रोडमैप मिल जाएगा बिजनेस के लिए कि वो सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं साथ ही साथ जो नए अल्टरनेटिवस है प्लास्टिक्स के लिए उसको भी फैसिलिटेट करेगा एंड तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद आनी चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी को यह स्ट्रेंथन करेगा प्लास्टिक पैकेजिंग वास्ट के क्षेत्र में ठीक है और अगर हम बात करें जो ई है ये चार कैटेगरी जो प्लास्टिक को कवर करेगा कैटेगरी वन इंक्लूड्स रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग कैटेगरी टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग जिसमें सिंगल लेयर या फिर मल्टी लेयर हो सकते हैं मल्टी लेयर यानी कि मोर देन वन लेयर जिसमें डिफरेंट प्लास्ट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक यूज कर लिए जाते हैं ठीक है इवेन इट ऑल्सो इंक्लूड प्लास्टिक सीट्स कवर्स मेटापॉप प्लास्टिक सीट कैटेगरी थ्री की बात करें तो इसमें मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग आ जाती है जिसमें एटलीस्ट एक लेयर जो प्लास्टिक तो होनी है और साथ ही साथ एटलीस्ट वन लेयर ऑफ मटेरियल वो अदर देन प्लास्टिक्स हो सकती है कैटेगरी फोर की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक सीट्स या फिर जो पैकेजिंग में यूज होती है या फिर कैरी बैग्स में ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक ये आएंगे हालांकि देर इज नो नीड टू रिमेंबर बस ये याद रखना है कि चार कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक को कवर किया जा रहा है सो so फ्रेंड्स इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द दर्टिकल एम एन आर कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनल एनर्जी ने रिलीज किया है ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डिसाइज रीनल एनर्जी लाइवलीहुड तो अगर हम बात करें इसकी तो आर्टिकल नंबर फाइव इट बी रिकवर इन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इनर्जी इनर्जी कोई ये कवर करेगा तो ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज फ्रेमवर्क फॉर डी सेंट्रलाइज एनर्जी लाइवलीहुड एप्लीकेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनबल एनर्जी ने लेकर आई है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये कि जो आपका डी आर ई बेस्ड लाइवलीहुड है उसका वाइड स्प्रेड लेवल पर एडोप्टन करवाया जाए एडॉप्शन करवाया जाए उसके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए और जब हम बात करते हैं डी आर ई की डिस रिन इनर्जी एप्लीकेशन की तो इसके तहत बेसिकली क्या होता है कि हम रीनबल इनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट टू स्टोर टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर इन ए लोकलाइट वे जैसे रूफ टॉप सोलर पैनल्स हो गए माइक्रो या फिर मिनी ग्रिड्स हो गए और आप देख सकते हो 90 जीजा वॉट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिनी हमारे देश में है सिर्फ और सिर्फ 5 परसेंट ही डी आर ई बेस्ड है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है फ्रेमवर्क की तो पहली बात तो मार्केट ओरिएंटेड इकोसिस्टम को इनेबल किया जाए साथ ही साथ डीआरई का एडोप्शन कैसे फैसिलिटेट होगा जब हम इजी फाइनेंस प्रोवाइड कर सकेंगे साथ ही साथ इफेक्टिव डीआरई लाइवलीहुड एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाए इनोवेशन एंड आर एन डी की मदद से एंड एलोंग विथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को मैनेजमेंट को इनकरेज किया जाए So that people likes to buy that applications, and, certain applications which is powered by mini or micro grids operating in hybrid mode, along with the main grid and energy efficiency standards. इस्टेब्लिश किया जाए फॉर हाई पोटेंशियल लाइवलीहुड प्रोडक्ट तो ये सब सर्टेन आपके ऑब्जेक्टिवस हैं अब बात करते हैं डी आर ई बेस्ड लाइवलीहुड्स की ज़रूरत क्यों है तो पहली बात तो यही कि जो हम डीजल पर रिलायंस करते हैं खास रूरल एरियाज में तो जब हम डी आर ई को लेकर आएंगे तो ये जो ओवर रिलायंस है डीजल पर वो कम हो सकती है इवेंचुअली एलिमिनेट भी हो सकती है साथ ही साथ ग्रिड सप्लाई को सप्लीमेंट करेगा एलोंग विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है सर्टेन एप्लीकेशंस की जैसे सोलर डरायल है सोलर या फिर बायोमास पावर कोल्ड स्टोरेज है तो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी इनहस करेगा चैलेंजेस तो वही है फाइनेंशियल मेकानिजम नहीं मिल पाता इन्हें कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं, नहीं अबाउट दीज कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी यानी कि कोश ज्यादा आ जाते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाती है तो ये सब को चैलेंजेस और डी आर के लिए जैसे आपका पी एम है रूप टॉप सोलर स्कीम्स हैं सोलर चरखा मिशन है तो ये सब आपके सर्टेन इनिशिएटिव जो डी के लिए लिए गए हैं ठीक है थीके? तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज रिलीज्ड इट्स एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट तो बेसिकली इस रिपोर्ट का टाइटल है नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेज और इसके तहत सर्टेन इश्यूज आइडेंटिफाई किए जाते हैं और ध्यान भी आकर्षित किया जाता है फॉलोइंग इमर्जिंग इश्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न जैसे नॉइज पॉल्यूशन है व्हील फायर्स है ये सब सर्टेन इन्वायरमेंटल कंसर्नस हैं और इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं इसके रिकमेंडेशन क्या दिए गए टू डील विध दैट इनके बारे में जानकारी दी गई है तो कम्प्रीहेंसिव डाटा है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं सलेबस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो इट कैन कवर द कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन ऑल्सो डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पहले इश्यूज़ तो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में क्या बोला गया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा तो ह्यूमन हेल्थ पर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा कैसे अनोयंस जैसे समस्याएं आ जाती है इवन थिंकिंग पावर को ये वीक कर सकता है जो स्लीप sleep है स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट नॉइज़ पॉल्यूशन हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पर वेलबींग well पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है एनिमल्स पर भी इसका इम्पेक्ट गहरा होता है बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं क्वेस्टिक कम्युनिकेशन का सहारा लेकर अपने डायरेक्शंस अपने होम सबको आइडेंटिफाई करते हैं तो एकस्टिक कम्युनिकेशंस में इंटरफेयर कर सकता है अगर एक्सेस नॉइज पॉल्यूशन हो रही है एंड ऑल्सो इट कैन ऑल्टर द बिहेवियर्स इन वेरियस स्पीसीज रिकमेंडेशन क्या बातें कही गई हैं तो अर्बन इन्वायरमेंट में वेजिटेशन से लगाए जाए प्लांट्स हो ट्रीज हों एंड साउंड स्केप प्लानिंग हो ठीक है साउंड स्केप प्लानिंग हो नैक्स्ट जो नॉइज बेरियर्स लगाए जाए अलॉन्ग द हाईवेज एंड रेलवे सो दैट नॉइज कैंसिलेशन हो सके विल्ड फायर्स में क्या इश्यूज इन्वॉल्व है तो पहली बात तो विल्ड फायरस के कारण जाहिर सी बात है वाइड अमाउंट ऑफ एटमोसफॉयरिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज होती हैं खासकर सी ओ टू ठीक है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस तो इसके कारण वार्मिंग इम्पेक्ट वो ज़्यादा हो जाता है साथ ही साथ जब भी आपका विल फायर होगा तो मान के चलो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसके कारण जो शॉयल है वो शॉयलोजन के सस्पेक्टेबिलिटी में आ जाएगा एंड एलोंग विथ लॉन्ग टर्म चेंज हो सकता है इन द प्लांट स्पीसीज कंपोजिशन में बिकॉज वेजिटेशन इज द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीसीज तो अगर वेजिटेशन ही नहीं रहा बिकॉज ऑफ द विल फायर तो इट कैन अल्टर द प्लांट स्पीसीज जैसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं तो इसका अप्रोच क्या बोला गया है रिकमेंडेशन क्या बोला गया है तो प्रिवेंटिव प्रिवेंटि विल फायर हो ही नहीं कैसे तो वहाँ के जो वॉल ग्रुप्स है ना लोकल ग्रुप से उनको इंगेज किया जाए साथ ही साथ इंडिजीनियस फायर मैनेजमेंट टेक्निक्स अगर कोई है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए अडॉप्ट किया जाए एंड लॉन्ग रेंज वेदर फरकास्टिंग पर फोकस हो रिमोट सेंसिंग कैपिलिटीज को डेवलप किया जाए सो दैट आइडेंटिफाई किया जा सके पहले ही कि भाई साहब यहाँ पर फॉरेस्ट या फिर बुलफार की घटना घट रही है या घटने वाली है तो इसे कम किया जा सके नेक्स्ट यू है फिनोलॉजी दैट डीज विथ द स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स कि सीजन के हिसाब से प्लांट्स एंड एनिमल्स में चेंजेज आती है ना तो ये भी आपका इश्यूज़ आइडेंटिफाई किया गया है इसका इम्पेक्ट क्या होगा तो इसका इंपैक्ट क्रॉप्स पर हो सकता है और क्रॉप्स पर होगा तो जाहिर सी बात है फूड प्रोडक्शन को भी ये अल्टर कर सकता है एंड ऑल्सो इट कैन कम्प्लिकेट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एडप्टेशन एंड ए सिंक्रोनमस चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द होल इकोसिस्टम एंड क्या रिकमेंडेशन है तो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए हैबिटेट कॉरिडोर्स के माध्यम से हैबिटेट कॉरिडोर बेसिकली क्या होगा कि जो आपका जो भी स्पीसीज है स्पीसीज वो एक कॉरिडोर से एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट आसानी से मूव कर सकते हैं उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा ठीक है जैसे एलिफेंट कॉरिडोरस की हम लोग बात करते हैं उसके बाद प्रमोटिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल एडाप्टेशन एंड साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम जा, so, friends, किया जाए इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशन सो फ्रेंड्स हमने सिक्स आर्टिकल डिस्कस किया होप यू अंडरस्टूड इन डिटेल थैंक यू फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर टू डिस्कशन एंड टू संडे सो कल की आर्टिकल तो आएंगी नहीं सो वी विल मीट ऑन द मंडे थैंक यू फ्रेंड थैंक यू वेरी मच